दोस्तों सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए मैंने पहले भी कई वीडियोस हैं बनाए और अपलोड किए हैं अपने चैनल पर। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्री मेच्योर इजैकुलेशन, या जिसको बोलते हैं अर्ली डिस्चार्ज, या जिसको बोलते हैं हम शीघ्र पतन, उसके बारे में हम बात करेंगे। और खास तौर से बात करेंगे कि आखिर आप प्री मेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन जो है वो आप किसे कहते हैं, इसकी प्रॉपरली इसकी परिभाषा क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या आपको इसकी समस्या है कि नहीं है, क्या आप इस श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं, और नॉर्मल सेक्स ड्यूरेशन जो है वो कितना होना चाहिए या कितना होता है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगेड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स या हो सकता है आपके साथ भी ये समस्या हो कि जैसे ही आप सेक्स स्टार्ट करते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक्साइटमेंट के साथ ही आप स्खलित हो जाते हैं। तो यह अगर जो ऐसी समस्या है उसकी वजह से आप पाते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और उसकी वजह से आप सेक्स से कतराने लग जाते हैं। अक्सर जो मैरिड कपल होता है उसके बीच में इस तरह की जब समस्या आना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से उनको आपसी तनाव, आपसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से उनके वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। इसलिए समय रहते इसका उपचार भी करना जरूरी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है वो आप किसे कहेंगे, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि इस श्रेणी में आती है, इसकी प्रॉपरली डेफिनेशन क्या है। यूजुअली देखिए क्या होता है कि जब कभी भी आपका जो सेक्स का जो टाइमिंग होता है एवरेज वो होता है 2 से 10 मिनट के बीच का एक ड्यूरेशन होता है आफ्टर पेनिट्रेशन। यदि हर बार जब भी आप सेक्स करते हैं और 2 मिनट से पहले आप स्खलित हो जाते हैं या फिर आप केवल टच से ही आपको आप स्खलित हो जाते हैं या आप कुछ स्ट्रोक्स के अंदर ही या कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप स्खलित हो जाते हैं, ये सारी जो कंडीशन है वो आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की आपको इंडिकेट करती है कि आपको इसकी समस्या है, यानी आप शीघ्र पतन से आप ग्रसित हैं। कई लोग होते हैं जिनको कि बचपन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली मास्टरबेशन की उनको हैबिट रही है और उसमें मास्टरबेशन भी उन्होंने किया है लेकिन उसमें काफ़ी तेज़ी से किया है, उसकी वजह से उनकी बॉडी का एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, उनको शीघ्र स्खलित होने की एक बॉडी की एक आदत सी पड़ जाती है और इसी पैटर्न को चेंज करना होता है उसके लिए कुछ मेडिसिन है जो कि काम में ली जाती है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको ओवर सेंसिटिवनेस होती है आपके प्राइवेट पार्ट पे, जस्ट टच करने से ही आपको इतना आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि आप स्खलित हो जाते हैं, यह जो सारी कंडीशन होती है उसके लिए कारण मानी जा सकती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं या फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। दोस्तों जब कभी भी इस तरह की समस्या आती है तो मैं आपको सजेशन दूंगा पेशेंट्स के साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो अगर आप काम में लेते हैं तो आप अपने इस तरह की प्रॉब्लम को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं इस तरह की समस्या में। कुछ मुख्य मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन की बात करूँ जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो जैसे कि सेलेनियम, टाइटेनियम मेटेलिकम, लाइकोपोडियम, कोनियम, नुफुरलुटिया मदर टिंचर इसमें काम में लिया जाता है, ट्रिबुलस का मदर टिंचर इसमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, जो कि आप अगर प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में उनके देख रहे हैं अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, काफ़ी लाभ होता है और आपकी इस तरह की जो समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों यदि आपके साथ में भी ऐसी समस्या आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें, हो सकता है आपको इस तरह की समस्या से आपको निजात मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ में आज मैंने जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।